नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इंफोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क टूल्स की। जी हाँ दोस्तों, आई परफ सी की बात करेंगे, जिसमें हम अपने नेटवर्क को मापते हैं। जी हाँ, इसकी बैंडविड्थ को चेक करेंगे भी कितनी बैंडविड्थ हमारे को मिल रही है। एक होता है फाइल सिस्टम, जो हम बाइट्स में, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स में सेव करते हैं, जीगा बाइट में। तो लेकिन जब नेटवर्क की बात की जा रही है, तो उसको बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से नापते हैं, तो उसे थ्रूपुट कहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, नेटवर्क को नापने के लिए हम बिट्स पर सेकंड के हिसाब से यूज़ करते हैं। उसमें मेगा भी हो सकता है, गीगा भी हो सकता है, किलो भी हो सकता है। तो इस हिसाब से फिलहाल आई परफ 3 को हमें एंड्रॉयड में, लिनक्स में और विंडोज़ में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। आई परफ .fr वेबसाइट है, जहां से हमें इसका टूल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ये टूल रेडी टू इंस्टॉल रहता है, सिर्फ कमांड लाइन से चलता है। इसके लिए कोई स्पेशल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लिनक्स में करना पड़ता है और एंड्रॉइड में करता है। विंडोज़ के लिए सिर्फ रेडी टू इंस्टॉल मिल जाता है। हम डाउनलोड करेंगे और मतलब आई परफ के प्रॉपरली फोल्डर को कॉपी करके उसका पास कमांड लाइन में डालेंगे और साथ में लिखेंगे आई परफ PERF 3 वर्जन अभी चल रहा है .exe-s। एस का मतलब सर्वर। इसके लिए क्लाइंट और सर्वर के लिए एक ही एप्लीकेशन रहती, कोई सर्वर और क्लाइंट के लिए अलग अलग नहीं रहती। बस इसमें सी और एस से ही हम कर सकते हैं उनको क्लेरिफाई। और इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके क्वेश्चन मार्क डाल के हम देख सकते हैं क्या क्या टूल्स हमारे को पोर्ट प्लस इसमें बहुत सारे कितनी बैंडविड्थ यूज़ करनी, कितने kbps, कितने यूज़ करने, इसकी कमांड लाइन में मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको चेक करके बता रहे हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे रन करेंगे। तो होता क्या, जब हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ते हैं या फिर जब दो कंप्यूटर आपस में बात करते हैं या जब दो डिवाइस आपस में बात करते हैं, तो कोई ना कोई बैंडविड्थ यूज़ होती है। या हम फाइल ट्रांसफ़र करके पता कर सकते हैं कितनी स्पीड आ रही है, या फिर कोई हो जो हमें टेस्ट करवा दे। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं भी जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में मैक्सिमम स्पीड कितनी दे रहे हैं, तो इसके लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। उसमें बीच में वाईफाई राउटर भी आ सकते हैं कि अगर बीच में वाईफाई आ रहा है तो उस वाईफाई की वजह से स्पीड कितनी रह पा रही है। यानी कि अगर हम वाईफाई 6 या वाईफाई 5 कोई भी डिवाइस लेके आते हैं बीच में, तो कभी कभी हम टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि जब हम उस डिवाइस से इनकी नेटवर्किंग में कितनी स्पीड आ रही है मैक्सिमम, तो वो हम चेक कर सकें। क्योंकि इंटरनेट स्पीड तो आपको मालूम है कितनी आ पाएगी जितने भी पीछे से अवेलेबल है। तो लेकिन जब हम दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं कितनी बैंडविड्थ आ रही है, तो वो हम चेक करते हैं इस टूल से। तो इसके लिए हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद iperf3.exe.s लगा दिया, तो इसका मतलब ये सर्वर हो गया। ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है 5201, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सेम क्लाइंट पे, अगर हम जोड़ते हैं जैसे 127.0.0.1, ये एक सेम कंप्यूटर का आईपी एड्रेस रहता है, सेम नेटवर्क का। अगर हमें कभी अपना नेटवर्क चेक करना हो, तो इस आईपी एड्रेस पे हम पिंग करके चेक कर सकते हैं। तो इस पे जब आई पी एफ रन किया, तो आप देख सकते हैं 10 Gbps की स्पीड है ये अपने आप को दे पा रहा है। मतलब अपने कंप्यूटर को हम चेक कर सकते हैं कितनी स्पीड है, आई पी एफ से हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्वर रन हो चुका है। अब हम क्लाइंट के लिए लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे अभी लिनक्स में ही सर्वर इंस्टॉल कर देंगे और लिनक्स में ही क्लाइंट भी यूज़ कर लेंगे। या फिर जब हम रन कर रहे होते हैं, तो डबल कमांड हम रन करके एक उसी में क्लाइंट उसी में ही सर्वर रन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिनक्स प्लस विंडोज को इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने रिमोट डेस्कटॉप लिया है, सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो हम स्पीड चेक कर रहे हैं, तो जब लिनक्स को हमने सर्वर बनाया, तो लिनक्स में क्या रहता है, जब भी कंप्यूटर ऑन होगा, तो इसमें iperf 3 जो है ऑन ही रह जाएगा। मतलब इसके लिए स्पेशल कमांड दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी रन करने के लिए, इसका सर्वर हमेशा ऑन ही रहता है जब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद विंडोज़ में कभी भी जो है लिनक्स से जो हम कमांड डाल के इसकी कमांड से हम चेक कर सकते हैं। विंडोज़ में कभी कभी हमारे को काफ़ी दिख रहा है कि विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ में जब हम टेस्ट करते थे, जब आपको चेक कराते थे, तो कभी बार 500-600 Mbps इतनी रह पाती थी। लेकिन जब कॉपी पेस्ट करते थे, तो 1 Gbps भी आ जाते थे, 700-800-900 Mbps। तो जब लेकिन लिनक्स में कभी ऐसा नहीं होता, लिनक्स में 900-900 Mbps प्रॉपरली दे पा रहा है। चाहे विंडोज़ सर्वर को हम लिनक्स में चेक कर रहे हैं, चाहे हम लिनक्स सर्वर को विंडोज़ में चेक करें, तो इस तरह से दोनों की नेटवर्किंग प्रॉपरली बैंडविड्थ चेक हो पा रही है। अब बात करेंगे हम एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड में बहुत सारे iperf 3 के टूल मिल जाते हैं आपको, लेकिन हम HE टूल एक ऐप है, इसे यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी और भी DNS और अलग अलग कमांड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने सर्वर रन किया, तो हमने दोनों ही कंप्यूटर को जैसे लिनक्स और विंडोज़ को चेक किया, तो दोनों में 200-250-300 Mbps के हमारे को नेटवर्क में स्पीड मिल रही, क्योंकि हमारा जो वाईफाई 5 वाला डिवाइस है, तो 5 GHz जो कनेक्टेड है और 300 Mbps नॉर्मल स्पीड रहती है। तो इस तरह से हमने रन किया। अदरवाइज़ जब हम वाईफाई 6 डिवाइस लेके आते हैं, तो वाईफाई 6 राउटर को भी चेक करते हैं। जब हम और भी कई चीज़ें करते हैं, तो आपको पता है iperf जो है हम यूज़ करते हैं बैंडविड्थ चेक करने के लिए। तो आप भी अपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्किंग चेक करने के लिए भी कितनी मैक्सिमम स्पीड है, तो आप चेक कर सकते हैं। कई बार होता है कि अभी हम बैंडविड्थ तो देख लेते हैं, लेकिन हमारी हार्ड डिस्क जो है बहुत स्लो रहती है। जैसे नॉर्मल पुरानी हार्ड डिस्क जो है सिर्फ 100 Mbps, 150 Mbps तक
मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। उसके अलावा अगर बड़ी जो SSD हार्ड डिस्क है वो 500 से 500 MBPS होती है, लेकिन अगर बात किया NVMe की तो वो 2000 से 3000 या 10000 MBPS तक की स्पीड आती है। तो आप क्या किस तरह से नेटवर्किंग को आप चलाते हैं, कितनी MBPS की स्पीड आती है आपकी, आप चेक करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा हमारे को। हमें आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप की बैंड भी चेक करने की आप भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के थ्रू जो है चेक कर सकते हैं सर्वर को। और हमने जो है एक रिमोट सर्वर, जैसे ऑनलाइन क्लाउड पे भी काफ़ी आई पर के सर्वर रन रहते हैं, तो उसमें हम अपनी नेटवर्क की बैंड भी चेक कर सकते हैं, हमारी नेटवर्किंग स्पीड कितनी है। हम वैसे यूज़ करते हैं ना speedtest.net, तो वो भी तो एक वाई परफ की तरीके से ही यूज़ हो रहा है ना, दिखा रहा है कितनी स्पीड आ रही है, तो उनका ही एक सर्वर रहता है, तो उसे हम यहाँ पे उसकी कमांड डाल के जो चेक करके बता रहे हैं आपको भी कितनी स्पीड, देखो ये दिखा रहा है। तो 150 से MBPS के आसपास जो है हमारे को मिल पा रही नेटवर्क में, 180-190 MBPS जो हमारी स्पीड है वो भी दिखा पा रहा है प्रॉपर्ली यहाँ पर। तो इस तरह से हम अपनी बैंडविड्थ भी चेक कर सकते हैं। तो हमें आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई सवाल रह गया तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप फ्यूचर में क्या और खास देखना चाहते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड तो जरूर बताइएगा। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।